MBBS, बी फार्मा या हेल्थ केयर से जुड़े कोर्स करने के बाद अगर आप दूसरे देश में नौकरी करना चाहते हैं तो वहां जाने के लिए लाइसेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। डॉक्टर अकरम अहमद युवाओं को इस दिशा में राह दिखाने का काम कर रहे हैं। एजुकेशन हब कहे जाने वाले देहरादून में आप कई तरह के सेक्टर्स के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। वहीं अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इसमें लाखों रुपए लगता है आपको शिक्षा हासिल करने में। इसके बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाती है तो आप मायूस हो जाते हैं, लेकिन इस दिशा में जो है डॉक्टर अकरम अहमद काम कर रहे हैं। आप जो है विदेशों में नौकरी कर सकते हैं। वह कई सालों से ऐसे लोगों को राह दिखाने का काम कर रहे हैं। सीधे जान लेते हैं डॉक्टर अकरम से कि किस तरह से वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। So basically, I'm basically from a Sahajwan. It is a very small town in UP. और हिंदी मीडियम से हमने जो है 10th 12th किया एंड इन माई सिटी में हमारे यहाँ एक ही साइंस का स्कूल था, तो हमने वहाँ से जो है 12th किया था। एंड हिंदी मीडियम होने के कारण क्या होता है कि जो शिक्षा है इंडिया के अंदर हेल्थ केयर का वो होता है इंग्लिश के अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आई मीन कुछ यू नो डिक्शनरीज में तो देखता था हमने नो कि इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। इसे करते करते हमने फार्मेसी की डिग्री किया है नो। फिर यह आया कि यार यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एंड देन यू नो, तो मेरे को लगा कि हमें हायर स्टडीज़ करना चाहिए, बट मेरी पेरेंट्स इज़ ए फार्मर तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने बहुत सारा रिसर्च किया ताकि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, हम वहाँ पर जो पढ़ पाएँ। तो हमने बहुत सारा रिसर्च किया, फिर हमें स्कॉलरशिप मिल गई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो हमने वहाँ PhD किया यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से। एंड तो मुझे जो जर्नी है, मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते 8 से 10 साल लग गए। एंड आई रियलाइज कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट इसके लिए कोई भी 6 मंथ to 1 ईयर में कंप्लीट कर सकता है। तो अगर आप MBBS नहीं कर पाते हो, MBBS ऑब्वियसली इज़ ए नंबर वन यू नो, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आप चूज़ कर सकते हो लाइक नर्सिंग का है या यू नो फिजियोथेरेपी है, आप फार्मेसी है। इन सारे कोर्सेज की करने के बाद में विदेश में हाई डिमांड होती है। अब बच्चों को थोड़ा सा जो है स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है, उनको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है आपको जिस कंट्री में प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दुबई जाना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, तो हम लोग सारी कंट्रीज़ के एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, उनके प्रिपरेशन कराते हैं। तो देखिए पास एग्ज़ाम इन इंडिया, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज ए फार्मासिस्ट या नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट या ऑप्टोमेटिस्ट या डॉक्टर या डेंटिस्ट जो भी है ना, तो उनकी गवर्नमेंट है, उनके यहाँ पर नीड है ये लोगों की, तो वो एक साल में 3 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, मार्च, जुलाई एंड नवंबर। उनके बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, लाइक दिल्ली में हैं, पुणे में हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, यू नो। तो ये एग्ज़ाम को पास करने के बाद देन दे आल्सो नीड टू पास इंग्लिश का टेस्ट, उसके बाद में दे कैन प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया। तो एकेडमिकली ये पूरा जो एंटायर जर्नी है उनको बहुत ही ईजी वे में हम लोग कंप्लीट कराने के बाद में उनको वहाँ पर कैसे प्लेसमेंट मिलती है वो भी हम लोग कराते हैं, लाइक उनका CV चेंज कराना, कवर लेटर चेंज कराना, कैसे जॉब को अप्लाई करना है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर, कौन कौन सी कंसल्टेंसीज हैं, इवन हमारे पास भी बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं, तो हम बच्चों को वहाँ पर जो है प्लेस करवा देते हैं। सर अगर अब तक की बात करें तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आप रोजगार दिलवा चुके हैं? अराउंड यू नो अभी एकेडमिकली में जो बच्चे एनरोल्ड हैं अराउंड 3,000 के बच्चों का आसपास का डेटा है, और बहुत सारे बच्चों ने जो है पास करके नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, वन ऑफ माय स्टूडेंट इज फ्रॉम बेसिकली हरियाणा ना, तो हरियाणा के एक छोटी सी जगह थे करनाल से वो, और ही वॉज यू नो उनकी छोटी सी फार्मेसी थी और उन्होंने एग्जाम पास किया, नाउ ही इज़ वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, राजेश उनका नाम था ना। ऐसी एक लड़की थी सारा फ्रॉम हैदराबाद, ऐसे बहुत सारे बच्चों के हमने लाइफ चेंज किया है। छोटी छोटी जगह से आते हैं और उन्होंने जो है बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई किया है नो, एंड देन उनको हम लोग पूरा करने के बाद में अभी वो वहाँ जा सक्सेसफुली वो लोग अभी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। व्हेन आई वेंट टू डू माय PhD तो मेरे साथ में 116 स्टूडेंट थे, दे आर डूइंग PhD फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से है नो। एंड मेरा जो PhD था वो था इंडियन माइग्रेंट के ऊपर जो लिविंग इन सिडनी, तो दे आर हाईली क्वालिफाइड, मास्टर डिग्री किया है इंडिया से, बैचलर डिग्री किया हुआ है, 10 साल 5 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में, बट दे आर डूइंग ऑड जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया है ना। तो बहुत सारे लोगों से हम मिले वहाँ पर ना, तो मुझे लगा यार ये लोग को जानकारी नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, इनको क्या करना है ना। देन आई स्टार्टेड टू बेसिकली मेक वीडियोज ऑन YouTube ने चालू किया वहाँ से, फिर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते थे हमारे लिए, क्वेश्चन आते थे सर हम कहाँ से कोचिंग करें, कौन हमारी हेल्प कर पाएगा, कौन सी बुक्स हम पढ़ाई करें, कैसे करना है, कोई कंसल्टेंसी है क्या इंडिया में ना। एंड बहुत सारे लोग जो इंडिया में कंसल्टेंसी हैं जो एजुकेशन की, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन रेवेन्यू, वो क्या करते हैं बच्चों को बोलते हैं कि आप स्टडी करने चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में और आपको जो है जॉब मिल जाएगी, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। बहुत सारे बच्चे वहाँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वन डे क्या हुआ, मैंने एक ऊबर टैक्सी बुक किया, मुझे एक स्टूडेंट मिला, ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद रेड्डी, वो मास्टर डिग्री किए हुए थे और वो टैक्सी चला रहे थे, तो मैंने पूछा आप टैक्सी क्यों चला रहे हो ना, तो उसने कहा सर मैंने
उसके पेरेंट्स ने ज़मीन बेच के उसको 40 लाख रुपया खर्चा किया है ना, और वो टैक्स ड्राइवर को उसको पता ही नहीं है कि हाउ यू कैन वर्क एज ए फार्मासिस्ट। तो फिर मैंने उसको गाइड किया एंड अभी वो फार्मासिस्ट है वहाँ पर ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। देन आई थिंक कि अब तो एकेडमिकली हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इतना पैसा खर्चा करने के बाद, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी वो और जॉब कर रहे थे। तो ये थे डॉक्टर अकरम अहमद जी, जो कि लगातार हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े जो युवा हैं उनको नौकरी दिलवाने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप बाहर जाते हैं, विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, तो क्या कुछ आपके अंदर जो है योग्यताएं होनी चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। देहरादून से मैं हीना आजमी, लोकल 18 के लिए।